तो गाइज आप देख सकते हो कि मेरे पीछे कितना सारा भीड़ है और ये भीड़ बकरियों का मेला का है, क्योंकि गाइज आपको पता होगा कि अपकमिंग 29th को बकरीद होने वाला है, इसीलिए हमारे गांव के बगल में ही बकरियों का बहुत बड़ा मेला लगा हुआ है। तो आज मैं आपको बकरियों का मेला घुमाने वाला हूँ, तो बन रहे हमारे इस वीडियो के साथ अंत तक। और अगर जो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर जो आप पहली बार हमारे चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए गाइज मैं आपको बकरियों का मेला घुमाता हूँ और चलते हैं। तो मैं इस तरह कुछ भीड़ का सामना करते हुए आप लोगों को बकरी का मेला घुमाने का कोशिश कर रहा हूँ। तो देख सकते हो आप मेरे पीछे बहुत सारा भीड़ लगा हुआ है, बहुत सारा बकरियाँ भी आपको दिखाई देना दे रहा होगा। ये सारा बकरियाँ बिकने के लिए आया हुआ है गाइज, आप देख सकते हो यहाँ पे ढेर सारा बकरियाँ है। इसे बकरी या फिर खस्सी कह सकते हो आप। ओ भाई एक ही खूंटा में कितना बांधे हुआ है, मैं आपको जूम कर करके दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। गाइज हमारे गांव के बगल में ही हर साल बकरीद से पहले बकरियों का मेला लगता है, और यहाँ पे बकरियाँ लोग दूर दूर से लेकर के आते हैं बेचने के लिए, और यहाँ पे लोग दूर दूर से खरीदने के लिए भी आते हैं। गाइज बगल में ही एक पिकअप लगा हुआ था, तो मैं पिकअप के ऊपर चढ़ करके आपको कुछ अच्छा व्यू देने की कोशिश कर रहे हैं। ओ भाई ले गाइस देख सकते हो यहाँ पे ट्रक से आते हैं बकरी लेकर के। मैं कुछ इस तरह देख पिकअप पे बैठ करके आप लोगों को मेला दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो गाइज आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। गाइज ये लड़का दूध निकालने का कोशिश कर रहा है, इसका अभी डब्बा खाली है ना, पूरा भर जाएगा अभी देखना। गाइस बहुत प्यारा प्यारा बकरा लग रहा है, देख सकते हो मेरे पीछे कितना सारा बकरा है जो कि दूर दूर से आया हुआ है। और भाई ले रहे तू।
गाइज मैं आपको आज पूरा मेला घुमाऊंगा, पूरे मेले में घूम घूम करके मैं आपको मेला घुमाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा और देखते रहिए वीडियो। इतना सारा पिकअप में आता है यहाँ पे बकरिया। ओ भाई ये तो यहीं पे सोया हुआ है बकरी के साथ में ही। गाइस ये वाली बकरी मुझे, व्हाइट वाली बकरी मुझे बहुत क्यूट लग रही थी। आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बताना। मैं इस तरह से आपको कुछ मेला का व्यू दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप देख सकते हो मेरे पीछे कितना दूर में मेला लगा हुआ है। यहाँ पे बहुत दूर में मेला लगता है गाइस। देख सकते हो ढेर सारी बकरियाँ बिकने के लिए आए हुआ है। क्या जिसमें आपको सारे कलर का बकरी भी मिल जाएगा। देख सकते हो आप कितने कलर का बकरी है। देख सकते हो मेरे पीछे ही देख लो कितने कलर का बकरी है। गाइस मैंने वो डब्बा बोला था ना भर जाएगा, मैं इसी डब्बा का बात कर रहा था। देख लो ये डब्बा है ना दूध निकाल निकाल करके भर गया हुआ है, पूरा पूरा फुल हो गया हुआ है। और ये सारा दूध बकरियों का ही है। चाय बना करके पिएगी। यहाँ पे एक अंकल पैसा गिनते हुए। तो गाइज आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और गाइज मैं जब मेला से बाहर निकल रहा था तो देखा बाहर में ये हथियारों का बाजार भी लगा हुआ था। सो गाइस बकरियों के बाज़ार के साथ में ही यहाँ पे देख रहे हो कि हथियारों का बाज़ार भी लगा हुआ है। तो मैं आपको कुछ हथियार भी दिखा देता हूँ। ये सारे हथियार गाइस बकरियों के मांस काटने में काम आता है। और गाइस मैं आपको एक बात कह देना चाहता हूँ कि बहुत लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और आप देख सकते हो कि हथियार बहुत ज़्यादा ही मेरे सामने है। तो गाइस आज का ब्लॉग यही फिनिश करते हैं। टिल दैट बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में।